ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। महाराष्ट्र में अति आत्मविश्वास में सत्ता गंवा चुकी बीजेपी में चुनाव के बाद मची अंतर्कलह थमने का नाम नहीं ले रही है, बल्कि अब ये खुलकर सामने आने लगी है। महाराष्ट्र बीजेपी के अध्यक्ष चंद्रकांत पाटिल ने पूर्व सीएम फडणवीस पर निशाना साधते हुए खुलेआम अपनी ही पार्टी पर मेगा भर्ती का आरोप लगाते हुए कहा कि इसी वजह से बीजेपी की संस्कृति बिगड़ी है। उन्होंने मेगा भर्ती शब्द लोकसभा और विधानसभा चुनाव के पहले कांग्रेस और एनसीपी से बीजेपी में शामिल हुए लोगों के लिए किया है। पुणे के पास पिंपरी चिंचवड़ में एक समारोह के दौरान आयोजित रैली में चंद्रकांत पाटिल ने बिना नाम लिए लेकिन इशारों में पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस पर निशाना साधा और कहा कि पार्टी के निष्ठावान लोगों के बजाय बाहरी लोगों को टिकट दिए जाने से उन्हें ठेस पहुंची है। दरअसल दल बदलुओं को बीजेपी में शामिल करने की रणनीति फडणवीस की ही थी। बता दें, विधानसभा चुनाव से ऐन वक्त पहले कांग्रेस और एनसीपी के करीब 20 नेता महाराष्ट्र बीजेपी में शामिल हुए थे। इनमें से 15 को टिकट मिला था, जिनमें से 12 जीतकर विधानसभा पहुंचे। लेकिन अब सूत्र यह बता रहे हैं कि इनमें से अधिकतर नेता फिर से पुरानी पार्टियों में जाने का मन बना रहे हैं। वजह साफ है, सत्ता में अपनी पुरानी पार्टी की सरकार है, ऐसे में जो मलाई उन्हें वहाँ वापस जाने से मिल सकती है उसके यहाँ अभी चांस नहीं बन रहे। पाटिल ने आगे कहा कि चुनाव के टिकट दिए जाते वक्त पार्टी के करीबी नेताओं के बजाय दिल के करीब रहे नेताओं को ज्यादा तरजीह दी गई। उनका सीधा सीधा इशारा बीजेपी के दिग्गज नेता विनोद तावड़े, एकनाथ खड़से और चंद्रशेखर बावनकुले की ओर है। इनके अलावा भी पुराने और निष्ठावान नेताओं के टिकट महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में काट दिए गए, जो आने वाले वक्त में पार्टी विरोधी भी बन सकते हैं। इनमें प्रकाश मेहता और राज पुरोहित भी शामिल है, जिन्हें बे टिकट रखा गया। इसे समझने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए कि पाटिल का ये कटाक्ष फडणवीस की ओर था। दरअसल बीजेपी शिवसेना गठबंधन के चुनाव में जीतने की प्रबल संभावना के चलते फडणवीस पूरी तरह आत्मविश्वास से भरे हुए थे कि उनकी सत्ता वापसी करना तय है। हुआ भी कुछ ऐसा ही, लेकिन मुख्यमंत्री सीट के बंटवारे को लेकर बीजेपी और शिवसेना में पड़ गई दरार और फिर महाराष्ट्र में बन गई महाविकास अघाड़ी की सरकार। चुनाव परिणाम के बाद भी बीजेपी की कलई खुलकर सामने आने लगी थी, जब पार्टी नेता एकनाथ खड़से ने खुलकर देवेंद्र फडणवीस पर खुद को साइडलाइन करने का आरोप जड़ा। इसके बाद पर्ली सीट से हारने वाली बीजेपी के उम्मीदवार पंकजा मुंडे ने भी पूर्व सीएम पर नाराजगी जाहिर की थी। अब बीजेपी के अधिकांश नेता फडणवीस के रवैये और उनकी चुनावी रणनीति पर सवाल उठा रहे हैं। इनमें से कई नेताओं ने अपनी शिकायत पार्टी आलाकमान तक भी पहुंचाई है। अभी तक महाराष्ट्र की मौजूदा सरकार गठबंधन के तीन पहियों पर चल रही है। कांग्रेस और शिवसेना के बीच नेताओं की तनातनी और वैचारिक मतभेद लगातार बने हुए हैं। ऐसे में अगर पार्टी के कुछ नेता टूटकर अपनी पुरानी पार्टी में वापसी करते हैं या सत्ताधारी पक्ष की ओर चले जाते हैं तो गठबंधन सरकार को मजबूती ही मिलेगी, लेकिन इसका बड़ा खामियाजा बीजेपी को जरूर भुगतना पड़ेगा। पॉलिटॉक्स ब्यूरो, महाराष्ट्र। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।